हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अजय, और आज आपके लिए है 28 जुलाई की करंट अफेयर। और जिस भी उसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले। करंट वीडियो की और जो जॉब रिलेटेड वीडियो होते हैं, उनकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। लाइक, एक लाइक भी कर दे वीडियो को, स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपके कुछ सुझाव हो तो अपने कमेंट भी करें, आपके कमेंट हम जरूर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्यूज़ की। क्यूज़ का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन की शुरुआत की है? तो किसने की है, वो है उड़ीसा सरकार ने। किसने? उड़ीसा सरकार ने की तरफ से, मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक है, उनकी तरफ से ग्रीन महानदी मिशन की शुरुआत हुई है, जो संबलपुर जिले के दौरे के दौरान महानदी के किनारे पौधारोपण करके इस मिशन की शुरुआत की थी। वहाँ के मुख्यमंत्री है उड़ीसा के नवीन पटनायक। कौन है नवीन पटनायक? तो याद रखने वाली बात है, नवीन पटनायक ने जो संबलपुर जिला है उसके दौरे के दौरान महानदी के किनारे पौधारोपण करके इसकी मिशन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्यापार असमानता को खत्म करने पर सहमति हुई है? तो वह युगांडा। प्रधानमंत्री मोदी अभी 5 दिवसीय दौरे पर, विदेशी दौरे पर निकले हुए। पहले रवाड़ा का उनका दौरा था, फिर युगांडा, और फिर ब्रिक्स सम्मेलन में उन्होंने अफ्रीका में भाग लिया था। तो युगांडा और भारत के बीच व्यापार असमानता को दूर करने पर सहमति बनाई है प्रधानमंत्री ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेंसेक्स ने पहली बार कितने हजार के आंकड़े को पार करके इतिहास रच दिया है? तो है 37,000। कितना? 37,000। 37,000 का जो आंकड़ा है उसको पार करके पहली बार इतिहास रख दिया है। पहली बार सेंसेक्स 140 अंकों की तेजी के साथ 37,000 के स्तर पर पहुंचा है, जो कि निफ्टी 35 अंकों की तेजी के साथ क्या है, 11,162.15 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि वो 37,000 के आंकड़े पर पहुंचा है सेंसेक्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए सोलर योजना लॉन्च की है? तो वह दिल्ली सरकार के ने केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने किसानों की आय के लिए बढ़ोतरी के लिए सोलर योजना लॉन्च की है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ कम दरों में बिजली मिलेगी। इस योजना का नाम क्या रखा गया है? मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना। क्या नाम रखा गया है इसका? मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 26 जुलाई को देश भर में किसकी 19वीं सालगिरह मनाई गई है? तो वह है विजय दिवस की, कारगिल के विजय दिवस की है। कारगिल विजय दिवस की है, जो 26 जुलाई 1999 के दिन कारगिल पे भारत ने विजय हासिल की थी, उसी के फलस्वरूप है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 पारित किया है? तो वह लोकसभा ने, संसद ने, किसने किया है? संसद ने, लोकसभा में संसद ने भ्रष्टाचार विधेयक है वो 2018 पारित किया है। इससे उन अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान होगी जो अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। इससे उन अधिकारियों को फायदा होगा जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में अमेरिका अब किस देश के विरुद्ध CAATSA प्रतिबंध नहीं लगाएगा? तो है भारत। अमेरिका भारत पर अब भारत के विरुद्ध जो CAATSA प्रतिबंध लगा रहा था उसे नहीं लगाएगा, क्योंकि अमेरिका के वाशिंगटन में राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम 2019 के जॉइंट कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट में CAATSA की धारा 231 में संशोधन कर उसे छूट प्रदान कर दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए ल्यूपन फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होगी? तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसकी क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी ये फुल फॉर्म रहेगी नीति की। नीति आयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। थैंक यू।